एक बहुत बड़ा देश है, यूसुफ अंसारी साहब जानते होंगे, इजिप्ट, और अल अज़हर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, बहुत सम्मानित यूनिवर्सिटी है, और इस्लामिक जो दुनिया भर के विद्वान और ज्ञानी लोग हैं वहाँ पे शिक्षा भी लेते हैं और बहुत ही उसकी उसका सम्मान है। मैं उस समय बाहर था, मैं लौट के आया तो वहाँ के जो एक बहुत बड़े उलमा हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया, मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ब्रदर ये क्या हो रहा है, तब तक तो मैंने देखा भी नहीं था कि क्या किसने बोला है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बयान आया है। तो उस वक्त मैंने छूटते ही कहा कि ये पार्टी का और सरकार का तो ये रुख हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मतलब मैं जो है वो उस पर अकीदा रखता हूँ, हिंदुस्तानी हूँ मैं, हिंदुस्तान के प्रति मेरा ईमान है और हुब्बुल वतनी मेरा जो है वो कर्तव्य भी है और ईमान भी है। और हमारी अपेक्षा होगी कि कोई भी आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ना कहे, गलत ना बोले जैसे, लेकिन हमारी अपेक्षा ये नहीं होगी कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो संगीता जी भी ये कहें, हम अपमान ना करें, हमारी अपेक्षा केवल इतनी होगी। और उसी तरह से किसी धर्म के देवी देवताओं के बारे में भी किसी को अपमानजनक बात नहीं कहनी।